यौम आज़ादी पर नौजवानों को बाजे सीटियां बजाने से रोकने के लिए केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस अनवार हुसैन वकील पर बगैर तैयारी के मुफादियामा की पिटीशन दायर करने पर बरहम हो गए। अहम समाअत के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि यौम आज़ादी पर नौजवानों को बाजे सीटियाँ बजाने से रोकने के लिए केस की समाअत हुई। अशफाक से बात करेंगे। जी मोहम्मद अशफाक, अहम समाअत के बारे में बताइए। इस अहम समात के वाले से मोहम्मद अशफाक से भी राबता करेंगे। यौम आज़ादी पर नौजवानों को बाजे सीटियां बजाने से रोकने के लिए केस की समात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया। अहम समात हुई। समात के बारे में मजीद आपको ये बताएं, जस्टिस अनवार हुसैन वकील पर बगैर तैयारी के मुफादियामा की पटिशन दायर करने पर बरहम हो गए। मोहम्मद अशफाक से एक बार फिर राबता करने की कोशिश करेंगे। अशफाक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अहम समात के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जस्टिस अनवार हुसैन ने वकील पर बगैर तैयारी के वफादेनामा की पिटीशन दायर करने पर सख्त भरमी का इजहार किया। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि मैं अभी आपको 5 मिनट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना देता हूं, पंजाब के सारे डीसी आपके अंडर होंगे और फिर आप बताएं कि बतौर चीफ सेक्रेटरी किस तरह यौम आजादी के मौके पर आप जो बाजे और सीटियां बजाने से शहरियों को रोकने के अहकाम जारी करेंगे। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि बताएं सूबे पंजाब की कितनी आबादी है, कितने लोग बाजे बजाते हैं। तो इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि जब आपके पास मुकम्मल मालूमात ही नहीं तो फिर पिटीशन क्यों फाइल की। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि क्यों ना अदालत का कीमती वक्त जाया करने पर आपको जुर्माना किया जाए, आप जैसे वकला ने मुफादे आमा के केसेस को मजाक बना रखा है। अदालत ने इस हवाले से दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या वो अपनी पिटीशन वापस लेते हैं या फिर अदालत उस पर फैसला सुनाए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका जो मौकफ था वो बहुत वाजे है, जिसमें यौम आजादी के मौके पर बाजे बजाकर शहरियों को तंग किया जाता है और खास तौर पर 7वें मुहर्रम को यौम आजादी आ रहा है, तो इस सिलसिले में मुहर्रम के एहतराम को भी लाजम और मलजूम किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोरोना SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि फिर अब वही बात कर रहे हैं, यौम आजादी है, बच्चों ने हाथ में हाथ डालकर चेन बनानी है और यौम आजादी मनाना है, लेकिन आपके पास कोई इदादो शुमार नहीं कि किस तरह से आप इन इकदाम को रोकेंगे। मैं अभी अपने सेक्रेटरी को कहता हूं कि आप इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं और बताएं किस तरह से अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा, ऐसी बात मत कीमती वक्त आया हो। अदालत ने इब्तदाई दलायल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। शुक्रिया अशफाक।